मॉर्निंग दोस्तों, तो सबसे पहले स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑफिस में इसको लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ और घर पे आके मैं इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो आज मैंने एक ट्रेड लिया था, उसमें आज मोमेंटम बहुत अच्छा पकड़ा मैंने, पर अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें बड़ा टारगेट नहीं ले पाया। तो आज मैंने फायर्स पे ट्राई किया था, फायर्स के प्लेटफॉर्म पे ट्राई किया, वो हैंग हो गया और उसकी वजह से मैं जैसे अपना प्रॉफिट जो है पूरा बुक नहीं कर पाया जितना मुझे मेरा टारगेट था। अब जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं हमेशा इस लाइन का वेट कर रहा था कि ये कैसे ट्रेड लाइन को ब्रेक करिए, और मेरा टारगेट था ब्लू लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके नीचे, तो मैं वेट कर रहा था कि ये ब्रेक करे और मैं उसको लूँ। और मौका देखिए, एचएम सिस्टम की जो है सो सेल की तरह बिल्कुल था, ये नहीं रहा था बिल्कुल सेल। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अपने ये श्रीनिवासन राव जी का, ये मेरे सबसे पहले फैन क्लब के मेंबर हैं। थैंक यू वेरी मच श्रीनिवासन राव, थैंक यू वेरी मच। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर जो है सो वेट कर रहा था बस किसी तरह से कंफर्मेशन का सारी चीजों का। ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है और मैंने यार वो एंजल ब्रोकिंग को छोड़ा क्योंकि उसमें इतनी दिक्कत थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। और आज जो है सो पहला दिन मैंने ट्रेड किया फायर्स के ऊपर और आज ये भी हैंग हो गया। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, जितना प्रॉफिट है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा तो मिल नहीं सकता कभी भी। और देखिए, मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये इसको ब्रेक करे और कब मैं यहाँ पर अपना जो है एक पी साइड पे बाय करूँ और उसके बाद फिर अपना टारगेट मेरा ये नीचे की लाइन थोड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन वो वाली जो है मेरा टारगेट था इनिशियल टारगेट। और मैं देखिए मैं कितने सारे टैब खोल के रखता हूँ, इसमें अपना बॉलिंजर बैंड का और नीचे आरएसआई भी है, तो ये भी एक कंफर्मेशन इसका लेता हूँ कि जैसे ही बॉलिंजर बैंड का ब्लास्ट वास का बिल्कुल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हर जगह से, ये बिल्कुल आ गया। देखिए फिर दोबारा से उसी लाइन के ऊपर आ गया है। मैंने वेट किया अपने सेटअप का कि कब ये मेरे लेवल पे आए और उसके बाद फिर मैं इसको बाय करूं पी को। फायर्स का इंटरफेस बहुत अच्छा है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत इजी टू यूज है, बहुत मजेदार है। मतलब आपको मतलब मुझे तो आज प्रेशर ही नहीं लगा, मतलब बिल्कुल भी, सब कुछ सामने सामने दिख रहा था मजेदार एकदम मक्खन की तरह। पर यार ये हैंग मोमेंट पे जो है ना सो ये हैंग हो गया और हैंग होने की वजह से मैं अपने टारगेट को ऊपर नहीं कर पाया और वो मेरा टारगेट एग्जीक्यूट भी हो गया। अब देखते हैं आगे। आज मेरा पहला लाइव रिकॉर्डिंग है, तो आप देखिए जैसे मैंने बताया था ना अपना एवी ग्राफ के ऊपर मैंने अपना सपोर्ट टारगेट लगा के रखा हुआ था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो मैं वेट कर रहा था कि पिछले दिन की फ्राइडे की कैंडल को ये उस नीचे की तरफ को ब्रेक कर दे, दूसरा कंफर्मेशन ये था कि इसकी तरफ ब्रेक कर दे, ये तो खैर मेरा उसका निफ्टी चार्ट था बैंक निफ्टी का। मैं वेट ही कर रहा था कि अपने लेवल पे आए तो उसको मैं बाय करूं। अच्छा, कल के वीडियो में तो बहुत अच्छे कमेंट थे, एक सब्सक्राइबर लविंग सब्सक्राइबर ने बोला कि यार मैं तो नंबर बोलता हूँ ना हिंदी में ना बोल के इंग्लिश में बोलूंगा। बिल्कुल सही है, मैं आपसे हिंदी में नहीं बोलूंगा, मैं दोनों में बोलूंगा। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ अपना हिंदी में, इंग्लिश में तो खैर एक अलग चीज है, मगर मैं मेरी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो मैं ज्यादा पसंद करता हूँ हिंदी में बोलने के लिए, शुद्ध हिंदी में ट्राई करता हूँ, पर मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, नंबर कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल लेवल पे था, देखते हैं। ये देखिए, इसने लास्ट इसमें आपका जो लास्ट डे का जो लो था वो जैसे ही इसने तोड़ा, और ये देखिए इसने यहां पर इसकी ट्रेंड लाइन भी जो है सो ब्रेक कर दिया और नीचे बस मैं कैंडल का क्लोज होने का वेट कर रहा था कि ये कैंडल क्लोज हो जाए किसी तरह से, उसके बाद फिर मैं इसको अपना पीई को बाय कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे बॉलिंग से बैठ कर ब्लास्ट हुआ और कितनी बड़ी इसने एक बेरिश कैंडल बनाई। कंफर्मेशन तो वहीं से थी, मगर फिर मैं डबल ट्रिपल कंफर्मेशन कर रहा था कि बस एक बार ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाए। और अपना देखो एचएम सिस्टम ने भी एकदम भयंकर बोल दिया कि भाई अब इसको बेच दो, पी खरीद लो, हो गया काम, ओके कर दिया था।
नीचे देखिए बाहर भी इसने जो है सो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा बनाया इसने, एक के बाद एक जो है सो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था तीनों बार में। वेट करते हैं टेंडर फ्लो जोन का। ये देखिए इसने कैंडल क्लोज कर दी। अब मैं यहाँ पर जो है उसको बाइंग पोजीशन अपना लगा रहा हूँ। इसने इसके अपने प्रीवियस डे का लो को भी इसने ब्रेक कर दिया था और मैंने यहाँ पर ये बाय कर लिया। मेरा एक्चुअली इनिशियल टारगेट था कि जो ये अपना एवी वेब का जो सपोर्ट है तो मुझे यार थोड़ी सी उम्मीद थी कि ये एक बार इसके नीचे जाकर के वापस इसको बैकअप लेगा तो लेगा। अब देखिए जैसे मेरा जो टारगेट था ये था जो नीचे के हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मेरा टारगेट था कि अगर वहां तक आ जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर दूंगा और अगर उसके नीचे जाएगा तो मैं अपने एसएल को ट्रेल करके उस अपने टारगेट तक ला के रख लूंगा और बाकी अगर एसएल हिट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो है टारगेट पूरा हो जाएगा। मैं ये मजे ले रहा था बस और ये मजे मजे के चक्कर में जो है सो कहानी खराब है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए तो मैं भी आज सोचा था पहली बार जो है सो करूं और उसके बाद ये टर्मिनल ही हैंग हो गया, प्राइस का मूवमेंट बंद हो गया और टर्मिनल हैंग हो गया और वहां पर जो है मार्केट में डाउन साइड बहुत अच्छा डाउन साइड दिया। ये देखिए यहाँ पर भी बोलिंजर बैंड का ब्लास्ट हो गया यार। टाइम बहुत लगता है एडिट करने में, मतलब मेरे को मैं क्या बताऊं आपको, मैं 8 बजे से लगा हुआ था मुझे 9 बज गया, मतलब करीब करीब मुझे लग रहा कि 8 बजे से मैं लगा हुआ हूँ सारे के सारे वो एडिट करने में, कुछ बहुत सारे क्लिप डिलीट करने में। पहली बार शायद है तो इसलिए हो सकता है मेरे को टाइम ज़्यादा लगा है इसमें, बहुत टाइम लगा इसके। कभी अगर आप लोगों के दोस्तों को फीडबैक होंगे तो मेरे को बताना जरूर और ऐसे धक्का लगता रहेगा तो फिर मैं कुछ ना कुछ और आगे इसको बेहतर करता चला जाऊंगा, इसको और फिटर करता हुआ चला जाऊंगा। देखिए थोड़ा सा पुलबैक लिया था क्योंकि इसने बहुत बड़ी एक रेड कैंडल बनाई थी तो इसमें एक्चुअली होता क्या ना जब इतना बड़ा रेड कैंडल बनता है ना तो एक पुलबैक लेता है और वो जो बिल्कुल उम्मीद वैसे तो बिल्कुल मुझे पता था, मतलब मेरा साइंस ये कह रहा था, मेरा तो एनालिसिस ये कह रहा था कि ये ट्रेंड लाइन को बहुत होगा तो ये रीटेस्ट करके वापस आ जाएगा, नहीं तो अगर ये ट्रेंड लाइन नहीं होती तो चांसेस ज्यादा हाई होते हैं कि वो उसको कम से कम 40% या 50% तक उसको रिट्रेस कर देता है, वो वहां तक तो रिट्रेसमेंट जाता ही है। तो आज मेरे दिमाग में बिल्कुल था, मेरे को एक्चुअली आज मैं 150 पॉइंट के टारगेट लेने के लिए सोच रहा था मगर 70 पॉइंट ले पाया। देखिए अभी यहाँ पर ये स्टक होना शुरू हो गया, प्राइस का मूवमेंट बंद हो गया था इसमें, देखते रहिए यहाँ पर प्राइस का मोमेंट ही बंद हो गया था बिल्कुल। इसने पहले दिन में ही जो है इंप्रेशन थोड़ा सा गलत सा मतलब दे दिया मगर सारे मतलब ये मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ ये जीरोधा की या फिर अपस्टॉक की या फिर फायर्स की या एंजल की दिक्कत नहीं है, ये हर किसी प्लेटफॉर्म की दिक्कत है। ये लास्ट में कर पाया था अपने इस टारगेट को मॉडिफाई, मेरा प्लान ये था कि मैं टारगेट और अपने स्टॉप लॉस दोनों को ट्रेल करता रहूं मगर
देखिए अब ये मैंने यहाँ पर बस रिफ्रेश करता रह गया, वो आगे पढ़ाई मूवमेंट ही नहीं है और इसमें मेरा टारगेट भी हिट कर गया। और सबसे मजे की बात देखिए कि ये जब मतलब इसमें दिखाया ना कि मेरा जो है सो प्रॉफिट वो 1750 रुपए का, तब तक वो जो है सो 700 रुपए तक जा चुका था। और यही अगर एसएल हिट होता ना आपका, या हमारा जब कभी एसएल हिट होता है, तो अगर आपने सपोज 100 रुपए पे एसएल लगाया तो ऐसे में क्या होता है 125 रुपए में जाकर एग्जीक्यूट होता है ऑर्डर। मगर जब प्रॉफिट होता है ना तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें उतने में ही होगा जितने में आपने टारगेट लगाऊंगा। अब आप देखते रहिए रेट कितना हुआ, 607 रुपए के ऊपर मेरा टारगेट लगा हुआ था। ए बी वेब का सपोर्ट इतना जबरदस्त होता है ना, आपने देखा होगा शाम होते होते वापस रिट्रेस कर गया मार्केट 700 पॉइंट। और कल देखते हैं क्या है, मतलब कैसा होगा। मुझे तो लग रहा है कल मार्केट जो है सो थोड़ी सी बुलिश साइड में ही रहेगी अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अगर मार्केट अगर फ्लैट खुला तो मेरे हिसाब से अगर 150 पॉइंट प्लस माइनस खुला तो मार्केट हो सकता है कि 36,000 रुपये का लेवल टेस्ट करे कल 36,000 का। ये देखिए 680 तक चला गया है, मगर मेरा ना अभी तक जो है इसने दिखाया कि मेरा जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। मैं रिफ्रेश ही करता रहेगा खाली, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड था पर इसे दिखाया नहीं कुछ भी। ये 700 मतलब ये उस 15 मिनट के अंदर जो है ना 800 क्रॉस कर गया था, इतना अच्छा मूवमेंट आया था इसके अंदर। यहाँ पर ये ऑर्डर अब जाके एग्जीक्यूट यहाँ पर इसने दिखाया और 1753 रुपए का इसने प्रॉफिट दिखाया। आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था टर्मिनल की वजह से, मगर वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, प्लान के हिसाब से चला सब कुछ और बहुत अच्छा चला। और आज से मैंने थोड़ा सा और अपने डिसिप्लिन को टाइट किया है कि अगर जो मेरा प्लान मैं एक दिन पहले ही बना लेता, जैसे मेरा कल का प्लान आज बना हुआ है, तो अगर मेरे लेवल पे नहीं आया ट्रेड कोई भी तो मैं फिर उस दिन मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। अगर मेरे लेवल पे आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ये अपना जो है सो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और ये मेरा प्रॉफिट था। तो आप बताइएगा जरूर कि आपको ये कैसा लगा। और तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।